हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको ऐसा न्यूज़ सुनाऊंगा जिससे आपका वीआईपी बनने का मन ही नहीं करेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वीआईपी बने। वीआईपी आखिरकार क्यों बना जाता है, ये पूरा वीडियो देखते रहे। वीआईपी हम लोग को इसलिए बनते हैं क्योंकि कुछ गन या कुछ कैरेक्टर मिल जाता है एक्स्ट्रा, और बहुत ही अच्छा होता है। किसी को किल करने में भी अपग्रेड रहेगा तो मारने में भी मज़ा आता है गेम में, ठीक है। तो वीआईपी बनने के लिए हम लोग बहुत सारे पैसे भी दे देते हैं, तो वीआईपी में बहुत सारे पैसे हम लोग को लगता है, ठीक है। वीआईपी जैसे कई लेवल उसमें भी होता है, अप करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना वीआईपी तक जाता है। तो उसमें अगर हम लोग इतने मेहनत से वीआईपी लेवल अप भी करते हैं, अगर आपसे कोई कहे, अगर आप सुबह को उठ के मोबाइल आप खोलते हैं, अगर आप 6 पे हो, अगर आपका वीआईपी लेवल 5 या 4 पे हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। ऐसा सच में होता है भाई, ज़रूर सुनना कैसे सही होगा। ऐसा आपका ज़रूर होता होगा, कब होगा वो भी आप लोग वीडियो में पूरा मिल जाएगा। तो ऐसा होगा तो बहुत गुस्सा भी चढ़ेगा क्योंकि हम लोग को उतना पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर हम लोग को परचेस करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप पूरा सुनेंगे तो आपका वीआईपी बनने का मन ही नहीं करेगा। जैसा कि आप सुने होंगे तो बहुत दुख लगा होगा कि वीआईपी लेवल भी घटता है। जी हाँ भाई, वीआईपी लेवल घटता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए अगर आप 7 पे हैं तो आपको वीआईपी लेवल 5 हो गया तो आपको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं मिले, आपको फिर $1 देंगे तो आपका वीआईपी लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, वीआईपी लेवल मेंटेन हो, जिसका वीआईपी लेवल घटता है। लेकिन जो लोग भाई का वीआईपी 3 तक बनना चाहते हैं तो उसका भाई वीआईपी लेवल घट के वो 2 या 1 पे आ जाएगा, या 0 भी हो जाएगा। अगर आप 3-4 इवेंट में परचेस नहीं करेंगे तो आपका वीआईपी लेवल 0 भी हो जाएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को बताना कि वीआईपी लेवल भी घटता है, तो उससे बचने का भी बहुत सारे तरीके हैं कैसे वीआईपी लेवल घटे तो बच सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वीआईपी 3 तक बनने के लिए, तो भाई ये वीआईपी 3 आप नहीं रह पाओगे। अगर आप इवेंट में परचेस नहीं करोगे तो आपका वीआईपी लेवल घट जाएगा। तो आपसे यही कहूँगा भाई, परचेस तो करना पड़ेगा आपको, हर एक तीसरे या चौथे इवेंट में आपको परचेस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो मेरा वीआईपी लेवल मेंटेन रहे। तो अब बहुत ऐसे बंदे हैं कि सोचते भाई मुझे वीआईपी लेवल अप करते ही जाना है, तो बहुत सारे इसमें पैसे भी लगते हैं। लेकिन आप अगर छोड़ देते हैं तो आपका वीआईपी लेवल भी घट जाएगा। ऐसा बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई मेरा वीआईपी लेवल घट गया है, मेरा वीआईपी लेवल घट गया। तो कमेंट तो मैं आपको सबका कमेंट दिखा नहीं सकता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। ये भाई 100% रियल जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, कोई इसमें फेक नहीं है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, 4-5 इवेंट छोड़ देंगे तो आपका भी वीआईपी लेवल घट जाएगा। और जिस बंदों का भी वीआईपी लेवल घटा हो तो ज़रूर भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका भी वीआईपी लेवल घटा है, तो बहुत और लोगों को भी पता चल जाएगा हाँ ये सही बोल रहा है, ठीक है। मैं सही बोल रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई, ये सबका होता है। तो अगर आप परचेस नहीं करेंगे तो जितने लोगों का भी वीआईपी लेवल घट गया हो वो बस $1 का परचेस करेंगे तो उनका वीआईपी लेवल फिर उनका मेंटेन हो जाएगा जैसा पहले थे। अगर आप वीआईपी 7 से 1 पे आ गए होंगे तब भी $1 देंगे तो आप 7 पे चले जाएंगे। तो यही बात है भाई, वीआईपी लेवल घटता है तो आपको मेंटेन भी कर सकते हैं, इसका उपाय भी मैंने बता दिया आपको। तो आप चाहें तो वीआईपी बन भी सकते हैं, आपका मन करे या मन नहीं करता वीआईपी लेवल वीआईपी बनने के लिए तो वीआईपी भी नहीं बन सकते हैं। तो ठीक है, तो जो अब अगला इवेंट आएगा तो उस पर आप अगर चाहते हैं वीडियो देने के लिए हमको, तो उसका वीडियो परचेस करके मुझे फिर वीडियो दे सकते हैं कि दोस्तों को भी बता सकूं कि कितना कूपन्स मिला। अपने चैनल पे अपलोड करूंगा वो वीडियो, अगर आप चाहते हो देना तो। और उस पर कोई बंदा मुझे दिया था, उसका मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, अब उसका इवेंट पे वीडियो डाला हूँ, तो आप जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर अब अगला टॉपिक जब मिलता है तो फिर हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे।